Hi, this is Dipesh here and watching my YouTube channel few reviews, few opinions. और आज हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तालियों से. तालियां बजनी चाहिए, प्लीज यहाँ पे तालियां डालो और रुकनी नहीं चाहिए जब तक मैं ना बोलूँ. तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है गॉट रिलीज ऑन अमेजन प्राइम ऑगस्ट 11 को. इतनी बेहतरीन मूवी है ना, आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि इतनी बेहतरीन मूवी आपने लास्ट कब देखी थी. इट्स अ थ्रिलर एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ मैग्निफिशेंट मार्वलस एंड फैबुलस मूवी. देख लीजिएगा. डायरेक्टेड बाय मनु वारियर, रिटन बाय अनिश पलियाल. प्लॉट समझाते हैं. प्लॉट बहुत आपने ट्रेलर में देखा होगा, अगर ट्रेलर देखा हो तो. इट इज द प्लॉट इज अराउंड अ कम्युनल हेट्रेड. कम्युनल हेट्रेड किसकी होगी? हिंदू और मुस्लिम की. तो प्लॉट कैसा है कि एक टेम्पल दिखाया है और टेम्पल को कुछ मुस्लिम रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट पीपल तोड़ देते हैं. ये देख के एक जवान हिंदू लड़का भड़क जाता है और वो एक मुस्लिम आदमी का खून कर देता है. एक्शन रिएक्शन. पुलिस इंटरफियर करती है, एक्सट्रीमिस्ट कसम खा लेते हैं क्या वो लड़का जिंदा बचेगा नहीं, एंड इन लोग उससे ढूंढने को स्टार्ट करता है. लड़का छुप जाता है कहीं पे, पुलिस इंटरवीन करती है, पुलिस उसको ढूंढ के निकालती है और सेफ एंड साउंड गांव से निकालने की कोशिश करती है. तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो पुलिस पे भी हमला करते हैं और पुलिस के लोगों को भी मार डाल देते हैं. कैसे कैसे ये बंदा अपनी जान बचाते हुए एक गाँव में एंटर कर लेता है, जो हिंदू लड़का और पुलिस इंस्पेक्टर, और जिस घर में पना लेता है वो भी एक मुस्लिम का ही निकलता है. वो घर होता है रोशन मैथ्यूज़ का. रोशन मैथ्यूज़ अपने फादर और अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पे रहते हैं. छोटा भाई वो है जो अभी नया नया रेडिकलाइज होने की कगार पे है, और बाप है बहुत ही सेंसिबल एंड ऑनेस्ट मुस्लिम है जिसको सही गलत का पता है. रोशन मैथ्यूज़ वो बंदा प्ले कर रहा है जो बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से निकल जूझ रहा है. ही इज़ गोइंग टू एन इमोशनल ट्रॉमा. एक साल पहले ही उसकी डॉटर और उसकी वाइफ एक लैंडस्लाइड में मर गए हैं, आज उनकी बरसी भी है. पुलिस का बैकअप आने के लिए एक रात की ज़रूरत है और एक्सट्रीमिस्ट को पता चल जाता है कि ये हिंदू को इन्होंने पनाह दी है, ये काफिर को. और सब इंस्पेक्टर बोलते हैं कि ये एक रात है, एक रात अगर आप लोग ने हमको सर्वाइव करा दिया तो देन टुमारो आई विल बी बैकअप आ जाएगी एंड आई विल बी टेकिंग हिम टू सेफ कस्टडी. ये पता चल जाता है मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के लीडर को जो प्ले किया है पृथ्वीराज. नाउ पृथ्वीराज इज प्लेइंग एन आउट नेगेटिव रोल. इज फैनेटिक, पागल आदमी है वो. इतना पागल है कि उसको लगता है कि जो भी हिंदू क्रिश्चियन अदर फेथ के लोग हैं उनको मार ही डालना है, उनको जीने का कोई हक ही नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में मुस्लिम और मुस्लिम ही रहना चाहिए जो अल्लाह को मानते हैं. ही इज फैनेटिक, पागल हो गया, वो एक्सट्रीमिस्ट है. वही कॉन्ट्रास्ट रोशन ये सोचता है कि सबको जीने का हक है एंड यू शुड गो फॉर अ रीज़न वाई अ पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डन इट. खून इज रॉन्ग थिंग, उन्होंने भी बोला है, लेकिन देर वॉज एन एक्शन एंड देर इज रिएक्शन. एक्शन वॉज स्टार्टेड बाई दिस मुस्लिम आउटफिट, नॉट बाई एन हिंदू गाय, एंड इसलिए दे डिसाइड टू प्रोटेक्ट हिम. ये धीरे धीरे प्लॉट जो कम्युनल हेट्रेड हिंदू और मुस्लिम के है उसके साथ ये एक फाइट भी दिखाया है गुड मुस्लिम एंड एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम के बीच में, उनके सोच विचारों के बीच में. एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट पृथ्वीराज इज ट्राइंग हार्ड टू गेट दैट काफिर आउट ऑफ हिज होम, आई एम नॉट सेइंग कि वो प्यार से पूछ रहा है वो हम कि कुछ हदीत पढ़ ले और हदीत से वो इम्प्रेस होके वो दे दे, ऐसे कुछ नहीं करे. इट्स एन आउट एंड आउट वॉर. एक तो तुम रहोगे या तो मैं रहूँगा. आइदर आई नीड काफिर, मैं उस काफिर के लिए तुम सबको मार डालूंगा लेकिन मैं काफिर को लेके जाऊंगा, या तो फिर मैं मर जाऊंगा. दिस इज द प्लॉट आउट एंड आउट. बहुत ही खून खराबा दिखाया गया है मूवी में और बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है. हर एक सीन के बाद है ना आपको एक सोशल मैसेज डिलीवर करता है मम्मू कायो, जो कि रोशन मैथ्यूज के फादर दिखाया गया है. और एंड इतने केओस, इतना रन चल रहा है, इतना भागम दौड़ चल रहा है ना, हर एक सीन में ना वो जो सोशल मैसेज है ना अबाउट पीस, वो अपना रास्ता बना के आपके झोले में गिर ही जाता है. एंड यू ओ फक, दिस इज़ द सोशल मैसेज. और इतने बेहतरीन आपके तरीके से सिंपली पहुंच जाता है ना, यू विल खून खराब है, मैं भी सोशल मैसेज दे रहा है. थ्रिलर चल रहा है, केओस चल रहा है, लोग जान लेने के पीछे दौड़ रहा है, कोई जान बचाने के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन भाई सोशल मैसेज आ रहा है करके. तो सोशल मैसेज हो, वो डिस्ट्रेस फैक्टर हो, क्या कौन कहाँ चले जाए हो. हिंदू इस लाइक जो बंदा अंदर है वो डरा हुआ है कि कहीं ये सारे मुस्लिम अचानक से एक साथ बन के मेरे को ना मार दे.
वो मुस्लिम इसीलिए डरा हुआ है, कहीं वो हिंदू और मुस्लिम को ना मार दे अपनी जान बचाने के लिए, कहीं वो बाहर वाला एक्सट्रीमिस्ट इसलिए डरा हुआ है कि कहीं इन लोग दोनों साथ में मिलकर मेरे को ना मारे। तो इट इज़ गोइंग टू डिलेमा, टोटली डिलेमा। सोशल मैसेजिंग इतनी एप्ट दी है, इतनी एप्ट, और इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाया ना कि बाकी के फिल्म इंडस्ट्री की ना ऐस फट जाएगी। इतने इतने सेंसिटिव केसेस, जैसे बीफ हो गया, जैसे टेंपल तोड़ना हो गया, जैसे कम्युनल हेट्रेड हो गया, जैसे एक्सट्रीमिज्म और हमारा तुम्हारा जो होता है ना, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं एंड एक्सेट्रा, अपनी बात रखना, अपने बात को साबित करना, अगर तुम तुम्हारा मस्जिद को बचाने के लिए जान ले सकते हो तो हम हमारे टेम्पल बचाने के लिए जान लिया, देन इट इज़ ओके, अगर तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारा धर्म भी तो बड़ा है। इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे इन्होंने, जैसे लिंचिंग हो गया, इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे इन्होंने टच किया है ना कि आई एम टेलिंग यू नो अदर प्रोड्यूसर विल इवन टेक दिस रिस्क। पता भी नहीं होगा अगर रिलीज होगी कि भी नहीं ये मूवी। वन, इसका प्रोड्यूसर भी पृथ्वीराज है। देखो 10-15-20 करोड़ जो भी हो, पैसे पैसे होते हैं, एक प्रोड्यूसर का पैसा लग गया और पिक्चर रिलीज नहीं हुई तो, एंड दैट इज़ अ रिस्क, बहुत ही बढ़िया तरीके। पृथ्वीराज इज द फाइनेस्ट एक्टर दैट इंडिया हैज़, टू बी ऑनेस्ट, एंड ही हैज़ डिस्प्लेड हिज आर्टिस्टिक मैजेस्टिक इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्प्लेंडेड मैनर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको देखना चाहिए। उसकी आंखों में ही वो दरिंदगी दिख के आती है कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो खून कर जाऊँगा करके दरिंदगी। कमिंग ऑन टू बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड स्कोर इज़ फैबुलस। अगर डायलॉग्स ना भी हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या इंटेंस है, क्या मूड है, क्या सेटअप है, क्या हो रहा है। सिनेमेटोग्राफी एकदम बढ़िया है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ फ्रेम टू फ्रेम दिखाया है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या सेट चल रहा है, क्या मूड चल रहा है और किस इंटेंसिटी से चल रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट आर्ट इज़ अबाउट, कम्युनिकेटिंग विदाउट कम्युनिकेटिंग। वो होता है ना कि एक सीन को बढ़िया बनाने के लिए हमको एक बैकग्राउंड स्कोर देना पड़ता है, फिर हमको लगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एवरी सीन अगर आप इंडिविजुअली भी देखो ना, सिर्फ म्यूट कर दो तो भी आपको वही मैसेज आ जाएगा, तो भी आपको एसेंस अरोमा आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। वैसे बैकग्राउंड स्कोर आप आँख बंद करके सिर्फ कान में लगाओ तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या इंटेंसिटी चल रही है। लाइट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यूज़ करी है, कैमरा कैप्चर्स, शॉट्स कैप्चर बढ़िया बढ़िया, मतलब आई डिड नॉट फाइंड इवन वन लूप होल टू बी ऑनेस्ट, कि क्या और क्या बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट राइटर ना, इन लोग 20 मिनट में पूरे ना कैरेक्टर को एक्स्टैब्लिश कर देते हैं, और आपको लगेगा 20 मिनट में सारे कैरेक्टर एक्स्टैब्लिश भी हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि रोशन मैथ्यूज का कैरेक्टर क्या है, उनके फादर का क्या, पुलिस का क्या, और पिक्चर क्या चल रही है, और यहाँ से पिक्चर कहाँ जाने वाली है, कि पूरी की पूरी 20 मिनट में आपके सामने पेंडोरा बॉक्स ओपन कर देते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन दिया जाता है। पिक्चर स्टार्ट होती है हाई इमोशन में, ऐसे कोई कॉमेडी वीमेडी इसके अंदर नहीं डाली। इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ सीरियस मूवी, सच बोल रहा हूँ। ऐसे कंटेंट वाली मूवी अगर बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा में बनने लगी तो फिर तो बहुत सारे एक्टर्स, ओ एक्टर एक्ट्रेसेस जो ओवर एक्टिंग पे जिंदा है, वो बंद हो जाएंगी उनकी दुकान, क्योंकि दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, दिस काइंड ऑफ राइटिंग नीड्स एन एक्टर। ये कोई ओवर एक्टर या ऐसा कोई करने वाला तो नहीं कर पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। इट रिक्वायर्स अ एक्टर पेशेंस एंड हिज क्राफ्ट। मेरे तरफ से मैं इसको 4.5 स्टार देना चाहूंगा। हाफ स्टार इसीलिए क्योंकि आई जस्ट लाइक पृथ्वीराज द वे ही हैज पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर, बहुत ही बढ़िया है। आप देखिएगा ये मूवी, मुझे तो ऐसे कुछ भी नहीं लगा ये मूवी में जो कि मुझे लगा कि और बेहतरीन हो सकता है। अगर आपको लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बहुत ही सुंदर मूवी है, बहुत ही स्वीट मूवी है, प्लीज़ देखिएगा, एंड आपको कैसे लगा ये भी बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, लेट अस मीट अगेन फॉर अ डिस्कशन एंड रिव्यू अबाउट अ न्यू मूवी, मोस्ट प्रोबेबली शेरशाह, तो वो भी आज ही रिलीज हो गई है, तो मैं वो भी देख के आपको बताऊंगा। प्लीज़ ट्यून इन एंड प्लीज़ स्टे देयर। बाय, टेक केयर।